एनसीपी चीफ शरद पवार को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद एनसीपी सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सूले के नेतृत्व में पार्टी का शिष्टमंडल मुंबई पुलिस आयुक्त को मिलने पहुंचा। एनसीपी का शिष्टमंडल जान से मारने की धमकी देने वाले ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई करने की मांग करेगा। सतवार को मिली धमकी के बारे में जानकारी देते हुए एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने बताया कि मुझे व्हाट्सएप पर पवार साहब के लिए एक मैसेज मिला था। उन्हें एक वेबसाइट के जरिए धमकी दी गई थी। हम पुलिस से न्याय मांगने आए हैं। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से इस पर ध्यान देने की मांग करती हूं। इस तरह की हरकतें गंदी राजनीति हैं और ये रुकनी चाहिए। सूले ने कहा कि महाराष्ट्र पर अपराध बढ़ रहा है। मेरा माननीय अमित शाह से अनुरोध है कि कृपया महाराष्ट्र पर ध्यान दें। यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखा जा रहा है कि नासिक गलियारों में फिर से सनसनी मच गई है कि किस तरीके से एनसीपी के चीफ शरद पवार को धमकी भरी भाषा में उनको ट्वीट किया गया और सीधा सीधा उनको जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी गई है। आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी सुर्खियों में बनने की वजह है उनके ऊपर जान का खतरा है और ये जान का खतरा ट्विटर पर उनको दिया गया है। इस पर मुंबई पुलिस ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द पता लगाया जाएगा कि आखिर ये धमकी देने वाला कौन है। और लगातार शरद पवार यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके साथ कुछ बड़ा हो सकता है और आज उनको जो है ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको तुरंत देखते हुए एनसीपी के नेताओं ने एक्शन लिया और मुंबई पुलिस के आयुक्त से मिले। यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का सिस्टम जो है चरमरा रहा है, कि किस तरीके से इतने बड़े नेता को जान से मारने की धमकी खुलेआम दी जा रही है।